तो मौसम बहुत ही अच्छा है, पर 3-4 दिन पहले काफ़ी मौसम ख़राब था और बारिश के साथ में आंधी भी आई हुई थी, जिससे मेरे एक प्लांट में काफ़ी नुकसान हुआ है। तो मुझे उसका दुख तो है पर अफसोस नहीं है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वंदना टेरेस गार्डन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, वीडियो को हम शुरू करूं मैं, इससे पहले आप लोग, मेरे थोड़े से कुछ फूल हैं जो ब्लूम कर रहे हैं, उनको आप देख लीजिए। ये अडेनियम के फूल हैं, कितने सुंदर लगते हैं। और इस समय अडेनियम के फूल काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, कलियां भी बहुत सारी आई हुई हैं। और ये देखिए हिबिस्कस ऑरेंज वाले, ये तो 2-3 साल से मेरे गार्डन में बराबर इसी तरह से खिल रहे हैं। साथ में ये डबल वाला हिबिस्कस है। और फ्रेंड्स, ये फूल खिलने में पूरे 4-5 दिन लग जाते हैं। और ये हमारा देसी हिबिस्कस जो हमेशा ही ब्लूम करता है, इसमें भी देखिए कलियां आई हुई हैं डबल वाले हिबिस्कस में। और ये मेरा सबसे फेवरेट है पर्पल हिबिस्कस, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। और आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि ये रेयर है, ये सभी के पास ये हिबिस्कस नहीं मिल पाता है। और काफ़ी अच्छा प्लांट है, पूरे साल तो इसमें फूल नहीं आते हैं, ये बारिश के टाइम पे ही इसमें फूल ज़्यादा आते हैं। पूरे साल तो बस ये ऐसे ही बना रहता है, और जैसे ही बारिश आती है उसके बारिश में कलियाँ खूब सारी आने लगती हैं और ये बराबर डेली फूल इसमें आते रहते हैं। तो ये हिबिस्कस तो बहुत ही अच्छा है। और आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखिए मेरा पैशन फ्लावर का, ये देखिए राखी फूल है और ये इतना खूबसूरत है। इसकी बेल यहाँ ऊपर मैंने चढ़ा दी है, तो इसमें रोज़ ही फूल आते हैं फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे फूल आते हैं। और ये रेड वाला हिबिस्कस डबल वाला, ये भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह से कुछ फूल ब्लूम कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये वाला प्लांट है, ये कनेर का प्लांट है। जो ये प्लांट है इसकी वजह से मेरे काफ़ी प्लांट नुकसान हो चुके हैं, कई बार ये गिर चुका है। और ये प्लांट गिरा जब आंधी आई थी बहुत ही तेज। और देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा आपको नज़र आ रहा होगा, ये बोगनवेलिया का प्लांट है, ऑरेंज कलर का बोगनवेलिया है ये। और ये देखिए इसके पत्ते मुरझाए मुरझाए से आपको दिख रहे होंगे। तो ये प्लांट मेरा पूरा ख़राब हो चुका है, ये मैं आपको निकाल के भी दिखा रही हूँ। ये देखिए ये पूरा नीचे से ये टूट चुका है। तो ये कनेर का प्लांट इसके ऊपर गिरा और ये पूरा पूरा का पूरा ही टूट गया। तो मैं इसको बाहर निकाल के लाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं इसको बाहर ले आई हूँ गमले को। और ये देखिए, ये इस तरह से मैंने इसको मिट्टी में ऐसे ही लगा दिया है, क्योंकि अब मेरा दिल तो बहुत ज़्यादा दुख रहा है, क्योंकि ये मेरा प्लांट बहुत ही अच्छा प्लांट था और ये भी रेयर प्लांट की गिनती में ही आता है। इसमें ऑरेंज कलर के फूल आते थे बोगनवेलिया के, क्योंकि ऑरेंज कलर काफ़ी कम ही मिलता है, पिंक वाले तो काफ़ी मिल जाते हैं। ये देखिए पूरा नीचे से टूट गया है और मुझे इस बात का बहुत ही दुख है कि देखिए, अगर ये कनेर का प्लांट गिरा था इसके ऊपर, तो ऊपर की डाल टूटनी चाहिए थी, कोई भी डाल टूट जाती तो उससे भी इतना भी नुकसान नहीं होता और प्लांट फिर से ग्रो करने लग जाता। तो खैर, अब क्या कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो मेरा प्लांट है, ये 2 साल से मेरे गार्डन में फ्लावरिंग कर रहा है, बहुत ही अच्छे इसमें भर भर के फूल आते थे ऑरेंज कलर के, तो बहुत ही अच्छे लगते थे फ्रेंड्स। तो अब इतना भरा हुआ प्लांट, बड़ा प्लांट, 2 साल का पुराना प्लांट अगर नुकसान हो जाता है तो मन तो दुखता ही है, पर अब क्या कर सकते हैं, कुदरत के आगे तो किसी का बस नहीं चलता। तो देखिए इस तरह से ये डाल भी टूट गई हैं कोई कोई, और कैसे ये कनेर का प्लांट इसके ऊपर गिरा और पूरा नीचे से ख़राब हो गया, तो मुझे खुद आश्चर्य लग रहा है इस बात का, पर अब क्या करें। अब इसकी मैं क्या करूँगी कि इसकी जो कटिंग है, मैं फिर से कटिंग इसकी लगा दूँगी और शायद ग्रो कर जाए कटिंग, तो उसमें ये पतली वाली कटिंग नहीं लगाऊंगी, जो मोटी मोटी डाल हैं वो मैं कट करके 2-4 लगा दूंगी, तो शायद फिर से प्लांट तैयार हो जाए। तो इसीलिए मुझे दुख नहीं है, क्योंकि मैं 1 साल पहले मैंने इसकी कटिंग लगा ली थी और देखिए ये प्लांट मेरा तैयार हुआ है। 1 साल पहले मैंने इसकी कटिंग लगाई थी और 1 साल में देखिए मेरा ये इतना बड़ा सा प्लांट तैयार हो गया है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मुझे इस प्लांट को खोने का दुख तो है, पर मुझे अफसोस नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर मैंने कटिंग नहीं लगाई होती तो आज मैं अपने इस प्लांट को खो देती। तो मेरे पास अभी भी ये प्लांट है क्योंकि मैंने कटिंग लगा ली थी,
तो मुझे भी ये सीख मिली है। ये कटिंग देखिए मैंने लगाई थी इतनी बड़ी और इसमें से ये ब्रांच निकली हुई हैं। तो मुझे जो सीख मिली है कि हमें हर प्लांट की कटिंग लगा लेनी चाहिए। तो मैंने भी आज का वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि आपको भी ये सीख मिले, आप लोग भी शायद कुछ सीखें इससे कि जो भी हमारे पास पेरिनियल प्लांट होते हैं उसकी हमें कटिंग लगा लेनी चाहिए। दो या चार कटिंग अगर हम लगा लेते हैं तो हमारे पास वो प्लांट हमेशा बना रहता है, क्योंकि हादसों का कुछ पता नहीं होता कब किसके साथ क्या हादसा हो जाए। तो अगर हम उसकी जनरेशन को बढ़ा लेते हैं तो हमारे पास ये प्लांट हमेशा बना रहता है। तो वही आज मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी कि अगर मैं ये प्लांट नहीं लगाई होती, इसकी कटिंग नहीं लगाई होती, तो आज मैं अपने इस प्लांट को खो देती। सो फ्रेंड्स, आज मुझे दुख तो है कि मेरा इतना बड़ा प्लांट ख़राब हो गया, पर मुझे अफसोस नहीं है क्योंकि मैंने प्लांट की कटिंग लगा ली थी। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी इसी तरह से कर सकते हैं, अगर आपके पास जो भी पेरिनियल प्लांट हैं उसकी आप कटिंग लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप जब भी कटिंग लगाएं तो चार पांच कटिंग लगाएं, क्योंकि सारी कटिंग नहीं चल पाती है। मैंने भी तीन चार कटिंग लगाई थी तो मेरी एक ही कटिंग बहुत ही अच्छी चल गई, बाकी तो ख़राब हो गई। तो ऐसा होता है, सभी कटिंग नहीं चल पाती हैं और कभी कभी सभी भी चल जाती हैं। तो इसलिए ज़्यादा कटिंग लगाइए जिससे कि प्लांट आपका, एक दो प्लांट तो बच ही जाते हैं। तो बस फ्रेंड्स, आज का वीडियो बनाने का मेरा बस यही मकसद था और आप लोगों को यही दिखाना था। तो ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, पसंद आई है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, भूलिएगा मत, और साथ में अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिएगा ताकि उनको भी इस बात का पता चले कि हादसों में हमें अपने प्लांट को किस तरह से बचाना है। तो बस फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ योर प्लांट।